जी मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे ये आतंकवादी, एक नंबर का आतंकवादी है ये। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा हाथरस से निकलकर ये नाम यूपी की सियासत में गूंजने लगा है। हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत वापस ना लेने पर लड़की के पिता की हत्या में गौरव शर्मा भी एक आरोपी है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये। ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा की सियासी लिंक को लेकर हाथरस में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है, वहीं एसपी इसे बहानेबाजी करार दे रही है। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है, और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, छेड़खानी होती है, और उसके पिताजी एफआईआर कराते हैं बच्ची के फादर, तो आरोपी बच्ची के फादर को गोली मार के हत्या कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। यहाँ बात ये होनी चाहिए कि अपराध पर कैसे लगाम लगे, बेटियाँ कैसे महफूज हों, लेकिन इसकी जगह छिड़ा है सियासी घमासान। यही वजह है कि दिन बीतते ही लोग ऐसी वारदात भूल जाते हैं और अपराधी फिर सक्रिय हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में, तो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, जिनके साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं। रोती हुई लड़की की ये फरियाद बताती है कि यूपी से अपराधी अभी तड़ी पार नहीं हुए हैं। अपराधी तड़ी पार भी कैसे हो जब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाए। हाथरस हत्याकांड पर भी सियासत हावी होने लगी है।